गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो जैसे कि लास्ट आर्टिकल में हमने क्या पढ़ा, मोल कंसेप्ट के बारे में पढ़ा, फॉर्मूला मास के बारे में पढ़ा। अब जो नेक्स्ट है वो हम यहाँ स्टार्ट कर रहे हैं, वो क्या कि परसेंटेज कंपोजिशन, परसेंटेज कंपोजिशन, परसेंटेज कंपोजिशन। तो परसेंटेज कंपोजिशन क्या, परसेंटेज कंपोजिशन के लिए हमें सबसे पहले क्या चाहिएगा, परसेंटेज कंपोजिशन के लिए, परसेंटेज कंपोजिशन के लिए हमें, परसेंटेज कंपोजिशन के लिए हमें क्या मोलर मास की जरूरत होगी। तो उसकी डेफिनेशन मैं आपको बताऊंगा, परसेंटेज कंपोजिशन, परसेंटेज कंपोजिशन, परसेंटेज कंपोजिशन। तो परसेंटेज कंपोजिशन के लिए आपको किसकी जरूरत होगी, मोलर मास की। तो मोलर मास क्या होगा, द मास, द मास ऑफ, द मास ऑफ वन मोल ऑफ ए सब्सटेंस, द मास ऑफ वन मोल ऑफ ए सब्सटेंस इन ग्राम, इन ग्राम, मास ऑफ वन मोल ऑफ ए सब्सटेंस इन ग्राम इज कॉल्ड मोलर मास। किसी भी सब्सटेंस के वन मोल का मास क्या होता है, उसका मोलर मास। जैसे आपसे कोई पूछ रही है वॉटर का मोलर मास क्या होगा, वॉटर का मोलर मास क्या होगा, तो वाटर का मोलर मास जो है ना वो क्या होगा, आपके पास एक हाइड्रोजन है, एक का एक, दो हाइड्रोजन का दो, एक ऑक्सीजन का 16, 2 प्लस 16, 18 ग्राम। कितना होगा वो, 18 ग्राम, 18 ग्राम होगा। कोई वाटर का मोलर मास हमसे पूछेगा तो कितना बताएंगे हम, वाटर का मॉलिक्यूलर मास H2O, एक हाइड्रोजन का कितना 1, दो का कितना 2 प्लस एक ऑक्सीजन का कितना 16, 16 प्लस 2 18, 18 ग्राम पर मोल, ये होगा इसका मोलर मास, ये इसका मोलर मास। तो पहले परसेंटेज कंपोजिशन के आपको मोलर मास की जरूरत पड़ेगी, और मोलर मास क्या होता है, द मास ऑफ वन मोल ऑफ ए सब्सटेंस इन ग्राम इज नोन एज मोलर मास, उसे आप मोलर मास कहते हैं। ये है आपके पास, जैसे कि वाटर का बता दें। अब आपके पास है परसेंटेज कंपोजिशन, तो परसेंटेज कंपोजिशन कैसे निकलेगी, परसेंटेज कंपोजिशन, परसेंटेज कंपोजिशन, परसेंटेज कंपोजिशन कैसे निकलेगी, तो परसेंटेज कंपोजिशन कैसे निकलेगी किसी भी कंपाउंड में, तो उसके लिए पहले फॉर्मूला लिख देता हूं मैं, मास ऑफ, मास ऑफ दैट एलिमेंट, मास ऑफ दैट एलिमेंट प्रेजेंट इन कंपाउंड, उस कंपाउंड में उस एलिमेंट का मास, इनटू, इनटू 100 ओवर, इनटू 100 मास ऑफ दैट एलिमेंट प्रेजेंट इन कंपाउंड इनटू 100 ओवर, क्या आपके पास किसका मास, मोलर मास, मोलर मास ऑफ कंपाउंड, मोलर मास ऑफ कंपाउंड। याद रखे क्या बोला मेरे ऊपर, मास ऑफ दैट एलिमेंट प्रेजेंट इन कंपाउंड इनटू 100, इनटू 100 ओवर मोलर मास ऑफ दैट कंपाउंड। डे टू डे लाइफ का बताऊंगा मैं आपको, एग्रीकल्चर के लिए, फार्मिंग वगैरह, फसल वगैरह के लिए, प्लांट्स के लिए हम क्या लेके आते हैं, यूरिया लेके आते हैं अपने घर पर, और यूरिया के बैग के ऊपर आपने देखा होगा नाइट्रोजन लिखा रहता है, उसमें नाइट्रोजन 46.6%, वो भी बताऊंगा आपको कैसे लिखा गया वो नाइट्रोजन। या वोटर जो है, वोटर में ही परसेंटेज कंपोजिशन निकालनी है आपको,
H2O में परसेंटेज कंपोजिशन निकालने है आपको, तो H2O किसका परसेंटेज कंपोजिशन निकालना है? सबसे पहले हाइड्रोजन का परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है? हाइड्रोजन का देखिए यहां मास, हाइड्रोजन कितने है? 2 है। यहां एक का मास कितना? तो 1 होता है, तो 2 का कितना होगा? 2 इनटू 100 ओवर मोलर मास ऑफ वाटर कितना होता है? 2 प्लस 16 18 जो निकाल रखा आपने, 18 2 से कितना जाएगा? 9 9 से कितना? 9 बन जा 9 फिर 109 बन जा 9 फिर 11 इतना 11.11% हाइड्रोजन का परसेंटेज कंपोजिशन वाटर में कितना है? 11.11। अब जैसे ही ऑक्सीजन का पूछेगा परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन ऑक्सीजन का मास कितना? एक ही ऑक्सीजन है यहां और उसका मास 16 इनटू 100 ओवर 18 मोलर मास कितना वाटर का? 18। तो क्या करेंगे आप ये देखिए, क्या करेंगे आप ये देखिए, कितने से चला जाएगा ये? 2 से, 2 से कर लो, 2 से 8 2 से 9 9 से पहले यहां पे डिवाइड कर रखा उसे 11.11, तो 8 से करेंगे 8 8 8 8, इतना आ जाएगा आपके पास ये इतना परसेंटेज। ये किसका परसेंटेज कंपोजिशन है? ऑक्सीजन का। वाटर में हाइड्रोजन का परसेंटेज कंपोजिशन और ऑक्सीजन का परसेंटेज कंपोजिशन, ये होगा परसेंटेज कंपोजिशन। क्या मास ऑफ दैट एलिमेंट प्रेजेंट इन कंपाउंड, वो एलिमेंट जो प्रेजेंट है उस कंपाउंड में उसका मास ओवर मोलर मास इनटू 100, एक जो कंस्टेंट जो भी कंस्टेंट प्रेजेंट है उसका मास ओवर मोलर मास इनटू 100, ये क्या होगा आपके पास? परसेंटेज कंपोजिशन। इसे वो कहते हैं परसेंटेज कंपोजिशन, कि उस सब्सटेंस में जो एलिमेंट प्रेजेंट है वो किस परसेंट में प्रेजेंट है, किस परसेंटेज में प्रेजेंट है, उसका कंपोजिशन परसेंटेज कंपोजिशन कहते हैं। कितना परसेंट वो प्रेजेंट है ये है आपके पास, ठीक है? यूरिया का एक एग्जांपल लेना है, यूरिया के एग्जांपल के लिए देखिए, यूरिया के एग्जांपल के लिए मैं इसको साफ कर दे रहा हूं। यूरिया, यूरिया का पहले क्या लिखूंगा मैं यहां? मॉलिक्यूलर फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखूंगा मैं, वो है NH2CONH2। पता भी लगेगा आपको कि जो यूरिया का जो बैग रहता है हमारे पास, उसके ऊपर नाइट्रोजन का परसेंटेज 46.6% है। कैसे पता लगेगा आपको? तो पहले इसका मॉलिक्यूलर मास देख लीजिए, यहां कितने नाइट्रोजन? 1 और 1 2 है, और एक नाइट्रोजन का होता है 14, तो 2 का कितना होगा? 2 into 14 प्लस ऑक्सीजन कितना बनी है? तो 1 ऑक्सीजन और होता कितना ऑक्सीजन का? 16 प्लस कार्बन कितना है बनी है? 1 कार्बन का कितना होता है? 12। अब देखिए हाइड्रोजन कितना है? 2 और 2 4 है, एक हाइड्रोजन का कितना होता है? 1 4 का कितना होगा? 4। अब ऐड करिए 2 into 14 कितना होता है? 28 प्लस 16 into 1 कितना होता है? 16 28 प्लस 16 28 प्लस 16 कितना हो गया? 44 प्लस 12 कितना हो गया? 56 प्लस 4। यूरिया का क्या बता रहे थे आप? मॉलिक्यूलर मास 2 into 14 28 प्लस 16 44 प्लस 12 56 प्लस 4 60 ग्राम पर मोल, ये है यूरिया का मॉलिक्यूलर मास 60 ग्राम पर मोल। अब नाइट्रोजन का परसेंटेज कंपोजिशन, परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ नाइट्रोजन, परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ नाइट्रोजन, तो देखिए परसेंटेज कंपोजिशन नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के लिए कितना है यहां? कितने प्रेजेंट है? 2 नाइट्रोजन के एटम है, 1 का कितना? 14 into 28 ओवर टोटल कितना है मोलर मास? 60 into 100 4 से 7 4 से 15 15 को कितने से करेंगे आप? 15 से कर लीजिए, 15 6 सा 90 10 और 10 आपके पास 10 और 0 15 6 सा फिर 90 फिर आपके पास ये 6
अब 7 6 42 प्लस 4 46 7 6 42 प्लस 4 फिर 46 इतना आ जाएगा 1% 46.62%। हमने क्या बताया था, इतना ही होता है। तो ये आपके पास परसेंटेज कंपोजिशन किसी भी एलिमेंट का उस कंपाउंड में परसेंटेज कंपोजिशन निकालना हो तो फॉर्मूला लिखा हुआ नीचे और आप निकाल सकते हैं। जैसे नाइट्रोजन का ऐसे अब ऑक्सीजन का निकालेंगे तो ऑक्सीजन का मास कितना है, यहां टोटल 16 और टोटल मॉलिक्यूलर मास कितना है 60 × 100। कार्बन का निकालना पड़े, एक एक कार्बन 12 था उसका तो 12/60 × 100। हाइड्रोजन का निकालना है 4 आएगा हाइड्रोजन का, ऐसे क्योंकि 4 हाइड्रोजन है 4/60 × 100। ये होगा आपके पास परसेंटेज कंपोजिशन, इसे कहते हैं परसेंटेज कंपोजिशन। ये करना आपको परसेंटेज कंपोजिशन में। उसके बाद में आपके पास क्या है, परसेंटेज कंपोजिशन के बाद में है आपके पास इंपेरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इससे रिलेटेड बहुत इजी क्वेश्चंस होंगे, न्यूमेरिकल भी है इनसे। जैसे मोल कंसेप्ट से है इंपेरिकल, इसे परसेंटेज कंपोजिशन से दीजिए है, लेकिन मोल कंसेप्ट से न्यूमेरिकल होंगे वो आपको बताई जाएंगी, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के भी होते हैं, बोर्ड एग्जाम के लिए भी जरूरी है। तो उसके बाद में आपके पास है इंपेरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, क्योंकि ये एक दो दिन में जो है ना कंप्लीट हो जाएगा ये यूनिट, दो दिन में। तो उसके बाद में जो है ना न्यूमेरिकल जो करवाई जाएगी, जो इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स है, इजी न्यूमेरिकल्स है, उनसे किस तरह से आपको कंटिन्यूस प्रोसेस में आप उनको इजी वे से कर पाएंगे। अब उसके बाद में आपके पास है यहां एम्पेरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, एम्पेरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, एम्पेरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, एम्पेरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। एम्पेरिकल फॉर्मूला देखिए, एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या होगा, एम्पेरिकल फॉर्मूला डेफिनेशन बोल रहा हूं सीधा कि इट रिप्रेजेंट्स द सिंपल होल नंबर रेशियो, इट रिप्रेजेंट्स द सिंपल होल नंबर रेशियो, सिंपल होल नंबर रेशियो ऑफ दैट एलिमेंट, ऑफ दैट एलिमेंट प्रेजेंट इन ऑफ वेरियस एलिमेंट कह लीजिए। ये तो एक का दैट के लिए देखा जाएगा और वेरियस के लिए सभी का, ऑफ वेरियस एलिमेंट प्रेजेंट इन कंपाउंड। एक चीज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा, इट रिप्रेजेंट द एग्जैक्ट नंबर ऑफ वेरियस एलिमेंट्स प्रेजेंट इन दैट कंपाउंड, वेरियस एलिमेंट्स प्रेजेंट इन दैट कंपाउंड, प्रेजेंट इन कंपाउंड। अब देखिए एम्पेरिकल फॉर्मूला तो क्या बताएगा, एम्पेरिकल फॉर्मूला ये बताएगा कि जो एलिमेंट प्रेजेंट है उनका सिंपल होल नंबर रेशियो और ये एग्जैक्ट नंबर बताएगा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। कैसे, एक एग्जांपल से समझ आएंगे आपको चीजें। देखिए मैं लिख रहा हूं यहां ग्लूकोज का फॉर्मूला C6H12O6, ये था ग्लूकोज का फॉर्मूला C6H12O6। ये क्या है, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। अब इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालना हो आपको, एम्पेरिकल तो एम्पेरिकल के लिए क्या करो, 6 कॉमन है यहां,
सिक्स को मिलाने से कार्बन कितना वन बच जाएगा, सी वन। हाइड्रोजन कितने 12 है, तो 12 बाई सिक्स टू, हाइड्रोजन दो, 6 बाई सिक्स वन, ऑक्सीजन वन। ये क्या इसका इंपेरिकल फॉर्मूला, ये इंपेरिकल फॉर्मूला है। अब जो 6 लिया था वो क्या हुआ यहां, एन एन इंटू इंपेरिकल फॉर्मूला, एन इंटू इंपेरिकल फॉर्मूला क्या होता है, मोलिकुलर फॉर्मूला। एन इंटू इंपेरिकल फॉर्मूला क्या होता है, मोलिकुलर फॉर्मूला। एन इंटू इंपेरिकल फॉर्मूला वो होता है आपके पास मोलिकुलर फॉर्मूला, ये है आपके पास n into empirical formula is equal to molecular formula, ये है आपके पास। तो empirical formula क्या हुआ, ग्लूकोज का CH2O, और molecular formula क्या है, C6H12O6। तो empirical formula क्या होता रहा है, सिंपल होल नंबर रेशियो, कार्बन कितना 1, हाइड्रोजन कितना 2, ऑक्सीजन कितना 1, ये सिंपल होल नंबर रेशियो है, मतलब ये इंपेरिकल फॉर्मूला का रेशियो है। और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एग्जैक्ट नंबर है उस कंपाउंड में एलिमेंट के, कार्बन के 6 होंगे, हाइड्रोजन के 12 होंगे, ऑक्सीजन के 6 होंगे, ये एग्जैक्ट नंबर है ग्लूकोज में कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में। और इंपेरिकल फॉर्मूला में सिंपल होल नंबर रेशियो है ये एलिमेंट का, किसका, कार्बन का 1, हाइड्रोजन के 2, ऑक्सीजन का 1, ये सिंपल होल नंबर है किनके, इन वेरियस एलिमेंट का, किसमें, इस कंपाउंड में, सिंपल होल नंबर। और ये एग्जैक्ट नंबर है ग्लूकोज में एलिमेंट का। ये डिफरेंस है इंपेरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। आपको एक एग्जांपल से समझाया, न्यूमेरिकल से और अच्छे से समझ में आ जाएगा, जो न्यूमेरिकल होंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आपको। ये है इंपेरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ये काम करना है आपको, ये करना आपको, समझ रहे इन चीजों को अच्छे से, ना सुनाए तो फिर से पूछे, बताए इनको, चीजों को याद करें, हर रोज का काम हर रोज करो, सिंपल है चीजें आपके लिए।